कि अब बस त्योहार नाम के ही रह गए, ना रक्षा हो रही है और बंधन तो मतलब रक्षा वाला बंधन नहीं बचा, लड़कियों और बंधनों में बंधती जा रही हैं। साड़ी वाली का भी रेप हो रहा है, स्पेगेटी टॉप वाली का भी रेप। धागा बांधा जाता था कि हमारी रक्षा करो, रक्षा मत करो पर भक्षक भी तो मत बनो, खाली छोड़ दो उतना ही बहुत है, वही रक्षा हो जाए। हम इंडिपेंडेंट तो है बट हम कैसे इंडिपेंडेंट है कि लड़कियां ही सेफ नहीं है। अगर वो जल्दी से बहुत स्ट्रिक्टली उनको पनिशमेंट दें, दूसरा बंदा फिर उस क्राइम को करते हुए डरेगा। जो व्यक्ति पकड़ में आ जाता है उसे तुरंत सजा होनी चाहिए, सजा या मौत। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन रक्षा का त्योहार है, ऐसे में देश भर में महिलाएं अपनी सुरक्षा और न्याय की डिमांड को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज हम दिल्ली की सड़कों पर हैं और उन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका सरकार से, सिस्टम से और स्पेशली जो देश का पुरुष है उससे क्या डिमांड वो करती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन, रक्षा, सुरक्षा, सेफ्टी, बाउंड्रीज। तो आज की जो करंट सिचुएशन चल रही है पूरे देश में जब महिलाएं सड़कों पर हैं अपनी सेफ्टी और जस्टिस की डिमांड को लेकर के, तो आप इस सिचुएशन में आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग में, थोड़े से लॉज एंड एक्शंस को जो भी है उनको थोड़ा सा प्रूव करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। देखिए कहना तो यही है, वाकई में फीमेल सिक्योर तो फील कर नहीं रही है, यहाँ बार बार केसेस आते तो हमारे मन में भी, हमारे बच्चे बाहर हैं यंग गर्ल्स, तो हमें थोड़ा सा डर तो आता ही है। सो आई थिंक द ओनर्स ऑफ कीपिंग द वुमन सेफ लाइज नॉट जस्ट विद द वुमन ऑफ द सोसाइटी बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द मेन फोक। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो एज सिस्टर्स, मदर्स, एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी दैट वी सेंसिटाइज आर किड्स, आर बॉयज, द अदर सेक्स ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रिस्पेक्ट यू नो द वुमन फोक। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे मैन वुमन रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी बेसिक। सो आई समहाउ फील कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मे बी इट विल मेक सम डिफरेंस टू द सोसाइटी इन जनरल, एंड हाईली अनफॉर्चुनेट व्हाट इज हैपनिंग। मायने तो ये है कि अब बस त्योहार नाम के ही रह गए, ना रक्षा हो रही है और बंधन तो मतलब रक्षा वाला बंधन नहीं बचा, लड़कियों और बंधनों में बंधती जा रही हैं। कि अगर अभी कलकत्ता वाला केस देख लें तो वो तो डॉक्टर ही थी ना, वहाँ पे लोगों की जान बचा रही थी, ड्यूटी कर रही थी रात को, अगर वही सेफ नहीं है तो और कौन सेफ है? तो क्या ही किया जाए? अगर हम 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे भी घर में बंद हो जाएं, हम बाहर निकलना बंद कर दें, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना बंद कर दें, तो क्या ये रुक जाएगा? पहले केस हो चुके हैं ना कि बच्चों का भी रेप हुआ है और सबका हुआ है, उससे एज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साड़ी वाली का भी रेप हो रहा है, स्पेगेटी टॉप वाली का भी रेप हो रहा है, तो कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो हमें आदमियों की थिंकिंग बदलनी पड़ेगी ना। कंसिडरिंग दैट मेन आर नॉट गोना चेंज, वी बीन ट्राइंग फॉर इयर्स नाउ, सो यू गॉट टू वर्क ऑन योर ओन डिफेंस अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम कंसिस्टेंटली, बट इफ द चेंज नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन एंड फॉर सम रीजन मेन फेल टू रियलाइज द और यू नो अंडरस्टैंड दैट वुमेन हैव देयर ओन बाउंड्रीज, चीजों को एक्सेप्ट करो एंड देन जस्ट ग्रो अप, यू नो इवॉल्व, बी अ ह्यूमन बीइंग। यू आर you know so stooping so low you think a person can't define that much depth, I mean itna niche koi nahi gir sakta agar koi in matlab you are not an animal right, you are a human being, you are a evolved person, you have manners, you have etiquette, so where are those, where are your values, where are your commitments? ye cheez hame janwaron se alag banati hai insano ko, wahi cheez wahi cheez aap nahi kar rahe to raping is never। आई गेस सारे ही लड़कों को, अब लड़कियों को एज अपने मतलब अपनी सिस्टर ने एटलीस्ट किसी की भी सिस्टर मान के उनकी सेफ्टी हमेशा वो चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। ये नहीं है कि रक्षाबंधन आ रहा है तो अब सेफ्टी करेंगे, हमेशा ही सेफ्टी रहनी चाहिए भाई। तो ऑफ कोर्स अभी इंडिपेंडेंस डे गया था तो लाइक हम इंडिपेंडेंट तो है बट हम कैसे इंडिपेंडेंट है कि लड़कियाँ ही सेफ नहीं है। रक्षाबंधन नॉट ओनली ब्रदर, everyone has to protect each other, हम सबको एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए और हम लोग किसी को blame नहीं करेंगे, ना सरकार को, ना आपको, ना हमको, हमारा individual responsibility कर्तव्य है एक दूसरे की रक्षा करना। तो हम लोग तो अवेयर हो रहे हैं लेकिन हमारी सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही, मेन पॉइंट ये है, सरकार और पुलिस उनके हाथ में सब कुछ है, पावर भी है और वो जानते भी है कि इनके पीछे कौन है। अगर वो जल्दी से बहुत स्ट्रिक्टली उनको पनिशमेंट दें आम तरीके से और बहुत ऐसी पनिशमेंट दे के लोगों के दिल दहल जाए तो मेरे ख्याल से लोग दूसरा बंदा फिर उस क्राइम को करते हुए डरेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्राइम रेट्स जो भी है बेसिकली रेप या मर्डर का देखें तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये चीज आ कहाँ से रही है, इसका रूट कॉज क्या है,
लोग ऐसे गर्ल्स पे ब्लेम डाल लेते हैं, हाँ छोटे कपड़े थे या मिसबिहेव कर रही थी या फिर सी वाज आस्किंग फॉर इट या फिर मतलब कुछ भी. बट राइट नाउ जो हुआ कोलकाता में, आई मीन शी वाज अ डॉक्टर, शी वाज इन हर लाइक in her hallway there where she should have been, like she was there, she was at right place. I mean she was doing nothing wrong, she was like not giving any wrong sign, nothing, she was not inviting anyone, but still she has been a prey and a victim to, I mean, the thing, this rape and murder. And I don't know how people explain and how people get this, you know, politicians, and I'm not targeting anyone, but yeah, politicians do get this you know, bail for these people, and I don't know what basis do they have for this. आप जैसे हम रात को लड़कियों को छोड़ने में थोड़ा सा डरते हैं, हमको ये लगता है कि भाई जल्दी घर आ जाओ. आप जो व्यक्ति पकड़ में आ जाता है उसे तुरंत सजा होनी चाहिए, सजा या मौत जो बाहर होता है. हमारे यहाँ पे क्यों ऐसी सजा दी जाती है कि उनको बाद में रिहा मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं फिर क्राइम इसीलिए हमारे यहाँ खत्म नहीं हो रहा है. हमारे ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी ऐसी हरकत करे तो वो ऐसा कानून बना दो कि उन्हें सजा या मौत, तो करने पे भी वो डरे और घबराए. जस्ट टेक अ स्टैंड एंड डू समथिंग सो दैट इट्स जस्ट नॉट ओनली द वुमेन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी बट मैन ऑल्सो अराउंड देम, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा. यू नो, इफ यू ब्रिंग इन अ चेंज विद इन योर सेल्फ एंड विद इन अराउंड द फैमिली मेम्बर्स, so there can be a change that could, you know, the whole concept of raksha is that you protect one another. और अभी देखने में आया है कि जिन्होंने रेप करा था अपेरेंटली उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड ने उसको कवर अप करने में भी हेल्प करी है, जो इंस्टाग्राम पे फिलहाल दिख रहा है. तो अगर लड़कियां ही लड़कियों का साथ नहीं देंगी तो कैसे काम चलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स हैव टू स्टैंड टुगेदर, और सिर्फ गर्ल्स नहीं, एवरीवन हैज टू स्टैंड टुगेदर, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड मतलब समाज का ही एक मुद्दा है. रेप सिर्फ गर्ल्स का नहीं, मेल्स का भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है. अभी गर्ल्स का ज्यादा हाईलाइट में आता है इसलिए वो दिखता है. तो इन जनरल रेप ही बुरा है ना, तो उसका रक्षा किससे करें? आप लड़कियों से करें, लड़कों से करें? और यहाँ पे शासन तो साथ दे ही नहीं रहा हमारा. अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ है, किस चीज का इंडिपेंडेंस डे मनाया? हम अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है, जहाँ सेफ्टी के लिए ही जाते हैं, ठीक होने के लिए जाते हैं, तो और क्या बचा है? ऐसा क्यों? मतलब शी इज अ डॉक्टर, वो दूसरों की लाइफ सेव करेगी पहले या उसे अपनी ज्यादा? तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी, मतलब इंडिपेंडेंस के 77 इयर्स के बाद भी हम सही मायने में फ्रीडम नहीं, मतलब गर्ल्स की सेफ्टी के वे में तो अभी भी हम फ्री नहीं हैं. इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू थिंक दैट यू समबडी कुड वॉक इनटू योर प्लेस ऑफ वर्क एंड ब्रूटली रेप एंड मर्डर यू. सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशली मदर्स, फादर्स एंड द एल्डर्स हैव टू सेंसिटाइज एंड you know, make the younger ones respect the women. Right. You know, the root cause is the politicians and exactly. And the system that they have over there. You are not born out of a man. You are not born out of a monster. You are born out of a woman. She is your mother, and she was also a woman. Okay, you need to respect women. You don't need to, you know, treat them as an item or as a, you know, as a thing where you can just get your, you know, sexual. Happiness or satisfaction, she is not a thing. She is something you have got to respect. And another thing, like feminism, we talk about feminism. So it is your mindset. आपको हर टाइम झंडा लेके फेमिनिज्म फेमिनिज्म नहीं करना होता. अगर आप अपने माइंड में स्ट्रांग रहोगे, अपने माइंड में आप खुद को एम्पावर्ड रखोगे, आपको चार लोग को नहीं बताना पड़ेगा कि आई एम अ फेमिनिस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट मी. So there is a thing, you should have that mindset that I am strong as a human being, not as a girl, not as a boy. In every home, sabko sikhaya jaye, men hai, their sons and brothers, teach them this basic decency. Agar unko starting se sikhaya jayega, that it is there in their mind, ki be you, this is the limit, don't cross it and respect, that is there. So agar ye starting se hi sikhaya jaye, to definitely it can bring a great change. Is Raksha Bandhan, aap सिस्टम से, सरकार से और मेनली जो मेंस होते हैं उनसे क्या डिमांड करते हैं? रक्षाबंधन का अर्थ यही था कि धागा बांधा जाता था कि हमारी रक्षा करो, रक्षा मत करो, पर भक्षक भी तो मत बनो, खाली छोड़ दो उतना ही बहुत है, वही रक्षा हो जाएगी, बस यही चाहिए. However, it is a human's basic or you know our basic responsibilities to ensure that we are following the standards ourselves. So if that would have been there, if the doctors and the hospital authorities would have been more, you know, careful about this, then this would have been avoided for sure.
The question be on the women only to protect themselves. And men should be taught from a very young age to respect women. जैसे अपने घर में माँ बहन की आप respect और इज्जत चाहते हैं ना, तो वैसे ही बाहर चलती हुई हर नारी को ऐसे आप respect करते हैं। मुझे इस बारे में ना एक social media का एक अटैकिंग बिहेवियर जो मेल्स का अक्सर रहता है फीमेल्स को लेकर, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फीमेल्स के अकाउंट्स बने हुए हैं, वो अपनी कोई वीडियो अपलोड करती हैं, उस पे आदमी जो है गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, और मैंने देखा है उस कमेंट को बहुत सारी फीमेल लाइक कर रही होती हैं। मुझे लगता है वो गंदे कमेंट करने वाले को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करनी चाहिए, उसको वहीं से स्टार्ट करो कि तूने ये कमेंट करके गलत किया है। जब वो गंदा कमेंट करता है तो वो वहां से बूस्ट होता है और वो वहीं से गलत काम करने के लिए भी अप्रिशिएट होता है। वी जस्ट डिमांड दैट यू मेक दिस प्लेस दिस एनवायरनमेंट सेफ फॉर द वुमेन फोक एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। मेन से तो हम डिमांड करते हैं थोड़ी सी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करें, थोड़ी सी हमें प्रोटेक्टिवनेस प्रोवाइड करें, तो हम उनके अराउंड थोड़ा सेफ फील करें, उनके अराउंड हमें कुछ दिक्कत ना आए बोलने में और साथ में रहने में हमें जो है बिल्कुल भी जो है हेजिटेशन ना हो। एंड गवर्नमेंट से ऑब्वियसली थोड़े से एक्शंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम डिमांड करते हैं। सो द बेसिक थिंग आई डिमांड इज बेसिकली जस्ट ब्रिंग इन अ चेंज विद इन योर सेल्फ फर्स्ट। सो अगर आप खुद अराउंड योर सराउंडिंग्स अगर कुछ चेंज लाते हैं तो दैट विल मेक एन इम्पैक्ट, नॉट अ बिगर वन, बट स्लोली स्लोली दैट विल मेक एन इम्पैक्ट विद इन योर सेल्फ, अराउंड योर फ्रेंड्स एंड अराउंड एवरी वन हु इज़ यू नो ईव टीजिंग और प्रोवोकिंग एनी वुमेन। सबको अपनी और दूसरे की रक्षा करनी है, चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो चाहे मैन हो, इवन वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर brother, right? The same way they are protecting us. So, ये तो individual, human to human, we all need to be in the very safe environment. At least, हम लोग अगर रात में भी कहीं निकल रहे हैं तो हमें ये चार बार ना सोचना पड़े कि हमें ऑटो लेना है या फिर उबर लेना है कि हम कहाँ पे सेफ रहेंगे। और दूसरी बात गवर्नमेंट से सबसे पहली तो ये चीज़ कि जो पॉलिटिक्स से आधे आधे मैटर दबा दिए जाते हैं, आई गेस अगर वो ना किया जाए तो हम लोग काफ़ी सेफ फील। रक्षाबंधन के त्यौहार के दायरे को भले ही हमने ये कहकर बांध दिया हो कि ये भाई और बहन का त्यौहार है, लेकिन कई दफा हमने देखा है कि पीएम को बच्चे राखी बांधते हैं, प्रेसिडेंट को राखी बांधते हैं, जवानों को बच्चे राखी बांधते हैं, महिलाएं राखी बांधती हैं और पुलिस वालों को राखी बांधती हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये रक्षा की कस्मों का त्यौहार है और ऐसे में उनके सर पर ये दायित्व है कि वो देश की महिलाओं की सुरक्षा इंश्योर करें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।